जिस तालिबान को भारत ने अब तक मान्यता नहीं दी है, क्या उसकी सेना को भारत प्रशिक्षण देगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक भारतीय समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में तालिबान नेता और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो जाते हैं तो काबुल अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेज सकता है। मुल्ला याकूब ने कहा कि इसके पहले भारत काबुल में अपना दूतावास फिर से खोले और तालिबान के राजदूत को नई दिल्ली में अफगान दूतावास संभालने की अनुमति दे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत अपने राजनयिक कर्मचारियों को अफगानिस्तान वापस भेजता है तो तालिबान किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है। इसके पहले तालिबान के प्रवक्ता सुहैर शाहीन ने भी दोहा में यही बातें कही थी। अपने इंटरव्यू में मुल्ला याकूब ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में भी कई बातें कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान सरकार की तरफ से पाकिस्तान या भारत को एक दूसरे के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश आपसी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। तालिबान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका अलकायदा से कोई संबंध नहीं है और अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया गया है। भारत को तालिबान पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और चरमपंथी समूहों के प्रभाव के बारे में चिंता है और भारत नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। लेकिन तालिबान जोर देकर कहता है कि वे दुनिया के किसी भी देश या समूह को किसी अन्य देश के खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान के रक्षा मंत्री ने ये बात ऐसे समय कही है जब भारत के शीर्ष अफसर जेपी सिंह एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मिलने के लिए काबुल गए हुए थे।